क्या करें जब बच्चे रोते रोते अपनी सांस रोक लेते हैं और बिल्कुल ब्लू होने लग जाते हैं, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ नताशा, आप देख रहे हैं नताशा डायरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब बच्चे रोते रोते ब्लू हो जाते हैं, अपनी सांस रोक लेते हैं, उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें पैनिक नहीं होना है। जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो पैनिक नहीं होना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट बेबी को हमें लेफ्ट साइड दिलाना है या बेबी को उल्टा करें और बेबी की बैक के ऊपर पैट करें। बेबी की बैक के ऊपर पैट करेंगे जिससे कि बेबी का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि बेबी ने अपने लिप्स भी ब्लू कर लिए हैं, इतनी ब्रीदिंग जब होल्ड करी हुई है तो उसके लिप्स भी ब्लू हो गए। तो ये जो सिचुएशन होती है अप टू वन मिनट की होती है, उसका बेबी नॉर्मल हो जाता है और ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है। और कुछ बेबीज जो है वो जैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्लीप मोड में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बेबी सो जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है वो एकदम से एक्टिव भी हो जाते हैं। तो इस टाइम पे हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस ध्यान है कि जब ऐसे सिचुएशन आए तो हमें बेबी को या तो उल्टा कर लेटाना है और उसकी बैक पे पैट करना है और हल्का सा मसाज करना है, या फिर बेबी को लेफ्ट साइड दिला के बेबी के बैक पे पैट करें और हल्का सा मसाज करें और थोड़ी देर वेट करें, बेबी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू।